The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो वेलकम बैक, एक बार फिर आपका स्वागत है आज हमारे वीडियो में। और आज एक और लाइव डिस्कशन होगा आपके साथ डॉक्टर सुप्रिया, उनका इंतजार है उनके साथ। शी इज अ वेल रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट इन पुणे। दोस्तों, डॉक्टर सुप्रिया एक बहुत ही सीनियर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन पुणे, एंड शी हैज जॉइंड अस आज लाइव डिस्कशन में। इट्स अ ऑनर टू हैव हर, और आज इनके साथ हम बातचीत करेंगे। So please, Dr. Supriya, how are you feeling? How are you? I hope you're fine. I'm excellent, fine, and I'm very, very happy to be with you. मैं सच्ची बात बताना चाहती हूँ, जब मैंने ये एजुकेशनल चैनल मेरा शुरू किया गायनिक रिलेटेड, फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज, सब सोल्यूशन हमें देना है, तो जब मैं ये सोच रही थी तो मैंने आपका चैनल फॉलो किया, और आप इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो देख के मैं इंस्पायर हो गई। ये मैं सच्ची दिल से बताना चाहती हूँ। थैंक यू। एक्चुअली मैंने शुरू में इसलिए किया था, मैंने शुरू में इसलिए किया था क्योंकि पेशेंट्स कहते थे मुझे कि सर आप समझाते बहुत अच्छा हो। मैंने कहा चलो भाई समझा देते हैं, और मेरा हेडेक था कि हर एक पेशेंट को 15 मिनट में लगा देता तो समझाने में, तो सारे लोग बेचारे वेट करने लगते। अब मैं सिर्फ कहता हूँ ये वीडियो देख लो जाके। So that's how it was. So very, very glad and very nice to have you. So आज हम बात करेंगे आपसे कि जैसे हम देख रहे हैं पिछले डेकेड्स के अंदर, एक दो डेकेड्स में, दस डेकेड, मतलब कुछ कई सालों में इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, और ऑब्वियसली हाँ दुगना हो गया है। So आपके एक्सपीरियंस में what is the most biggest reason for that? टॉप फाइव पे तो हम बाद में आएंगे, सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? मोस्ट बिगेस्ट मैं बोलूंगी ये पांचों कारण मोस्ट बिगेस्ट है, क्योंकि पहला कारण मैं बताती हूँ, फीमेल लिटरेसी। ये लड़कियां अभी जो पढ़ी लिखी हो गई है ना, और ये पढ़ी लिखी हो गई है, वो अभी जॉब कर रही है, अभी बिजनेस कर रही है, उनको प्रमोशंस चाहिए, उनको उनको पैसा कमाना है, घर बनाना है, गाड़ियां लेनी है, फिर प्रेगनेंसी प्लान करनी है, और ये लेट मैरिजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से चाइल्ड बेयरिंग डिले हो जाती है, और उसकी वजह से जो होता है एक रिजर्व जो होता है, वो जब वो प्लानिंग करते हैं, लेट प्रेगनेंसी का प्लान जब होता है तो एक क्वालिटी खराब हो जाती है, गुणवत्ता खराब हो जाती है, अंडे की मात्रा खराब हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियां शुरू होना शुरू हो जाती है 30 के बाद, उसके साथ फाइब्रॉइड्स यानी कि यूट्रस में गठान यानी कि फाइब्रॉइड्स भी 30 के बाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वैसे देखा जाए आफ्टर 30% लोगों को एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड शुरू हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि एक साथ लोग सोचने लग जाएंगे ये क्या है, एंडोमेट्रियोसिस क्या है, फाइब्रॉइड क्या है। सो पहले हम थोड़ा सा, सबसे बड़ा कारण जो अभी निकल के आ रहा है जो आप बता रहे हैं वो है लेट प्रेगनेंसी। अगर आप डिले कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने में, और अभी आप अपने फ्यूचर पे, अपने एजुकेशन पे, अपने अपने जो जिस भी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, और अगर आपकी एक उम्र निकल जाती है जो गोल्डन एजेस हैं, और वो उसके बाद लेट जाके आप 30 साल की उम्र के आसपास अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो आपके इनफर्टिलिटी के यानी आपके प्रेग्नेंट नहीं होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके जितने ओवेरियंस, जितने ओवियोल्स के रिजर्व है वो कम हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट? या इट्स ऑलवेज लेस देन 30। जब 30 साल से छोटे हो तो आपकी बेस्ट एज, बेस्ट एज फ्रॉम रेंज 25 टू 30 तक बेस्ट रेंज है। Alright, so 25 के बाद आपने बेबी के बारे में सोच लेना चाहिए, बेसिकली 25 के बाद बेबी के बारे में सोच लो। Yes, right. और इससे भी आपको डिले करना है, 30 के अबाव जाना है, तो आपको पहले आपकी फर्टिलिटी टेस्ट करनी चाहिए, मेल फर्टिलिटी एज वेल एज फीमेल फर्टिलिटी।
ओके, दिस इज टू चेक फॉर योर ओवेरियन रिजर्व बेसिकली, राइट? ओवेरियन रिजर्व एंड सीमेन पैरामीटर्स. सीमेन पैरामीटर्स, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो ये दोनों बहुत बड़ी बातें हो गई, क्योंकि आज के डेट में नोबडी बॉदर्स टू चेक दिस. कोई बॉदर नहीं करता कि भाई हम अपना शादी से पहले पहले अव्वल तो लोग लड़के जो है 30-31 तक शादी का सोचते ही नहीं है. अब फीमेल्स भी वैसे है कि भाई भाई की शादी नहीं होगी तो मैं क्यों शादी करूंगी, और फिर उनका ये हो जाता है कि 30 साल तक शादी नहीं हो रही है, 28 पे या शादी हो रही है, और शादी के बाद 2 साल तो हमें इंजॉय करना है, और 30 साल के बाद फिर वो सोचते हैं प्रेग्नेंट होना, और प्रेग्नेंट हो नहीं रहे तो आई ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है. तो अल्टीमेटली भूल जाता है कि भी आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा हो रही है, लगता है हमने वो दवा खा ली थी, लगता है हमने वो वैक्सीन ले ली थी, कहीं तो प्रॉब्लम है. तो आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल ये इश्यू आ रहा है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका एज, और आपकी यहाँ पर उल्टा पड़ रहा है. जहां हम कहते हैं कि हेल्थ लिटरेसी आपके लिए अच्छी होती है, वहां पर दूसरी तरीके की लिटरेसी आपके लिए खराब हो रही है. तो ये एक असमंजस वाली बात होगी. इट्स अ वेरी वेरी गुड टॉप, गुड पॉइंट. इस पे तो लिटरली एक अलग से वीडियो बनाना बनता है. तो मैं जरूर इसको बनाऊंगा, मैं जरूर बनाऊंगा. तो सारी फीमेल जो देख रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई 25 के बाद आप तुरंत शादी का सोचो, और अगर तो लेट हो रहे हैं तो अपना ओवेरियन रिजर्व जरूर टेस्ट कराएं. एक गायनेकोलॉजिस्ट आपके रेगुलर टच में होनी चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ताकि आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए. दिस इज द फर्स्ट एंड बिगेस्ट रीजन ऑफ प्रेगनेंसी. तो मैम एक बात बताइए, आपके एक्सपीरियंस में जो ये इश्यूज चलते हैं, जो लोग दूसरे कहते हैं कि या आपके इसमें के भी ये दूसरी जो पेस्टिसाइड हैं, जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, जो दूसरी चीजें हैं, जो उन चीजों का कितना बड़ा रोल है, या जो आप कहते हैं कि अब खाने में क्वालिटी नहीं रह गई, उन चीजों का कितना रोल है इस प्रॉब्लम में? बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ये, भी मैं बोलती हूँ आपको सेकंड रीजन है कि अभी कंसीव होने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये एंडोक्राइन डिस्टर्ब करने वाले चीजें रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं जो अपने वातावरण में रहते हैं. हम सांस लेते हैं इससे वो अंदर जाते हैं, हम पानी पीते हैं उससे अंदर जाते हैं, हम खाना खाते हैं उससे अंदर जाते हैं, और जब देखे जाते हैं, जब स्टडीज हुए हैं, तो हमारे ब्लड में रहते हैं, हमारे ब्रेथ में वो जो मटेरियल, वो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इसको हम EDC कहते हैं, उसकी मात्रा रहती है. और इससे भी आगे जाके मैं कहना चाहती हूँ, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, हमारे पेट में शिशु रहता है, तब उसके बाद हम एमनियोटिक फ्लूइड का, फीटल ब्लड का भी टेस्टिंग करें, तो उसमें भी ये EDC रहते हैं. तो आजकल ये देखा गया है कि बेबी अबनॉर्मलिटी का रेट बहुत ही बढ़ गया है. हस्बैंड वाइफ, मॉमी डैडी बोलते हैं कि हमारे हमारे जीन्स में, हमारे जेनेटिक्स में ये नहीं है, फिर भी बेबी पे कैसे आ गए. अभी भी ये देखा गया है कि AMH की मात्रा बहुत यंग लोगों में कम हो जाती होती जा रही है. तो जब AMH यानी कि हमारे एक का रिजर्व, यानी कि हमारे अंडे की जो मात्रा है, गुणवत्ता है, वो हम हमारे माँ के पेट में जब 24 to 26 weeks के रहते हैं, तब भी डिसाइड होती है कि हमारे शरीर में, हमारे रिप्रोडक्टिव एज में कितने अंडे तैयार होने वाले हैं. और उसी टाइम जब केमिकल एक्सपोजर हो जाता है, तो ये संभव है कि होने वाले शिशु पे भी अफेक्ट हो जाता है, और उनकी अंडे की मात्रा कम रहने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं. मतलब पैदा होने से पहले ही, यस, पैदा होने से पहले ही एक फीमेल के एग की रिजर्व कम हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ EDC एक्सपोजर, आपके एनवायरमेंट खराब होने के वजह से. तो कितनी बड़ी बात हो गई है ये सोचने वाली. तो मैम ये बताइए, इससे बचे कैसे, ये EDC से बचना कैसे है? EDC से बचने के लिए अभी वातावरण जो एयर में है वो तो हम निकाल नहीं सकते. ज्यादा से ज्यादा हमें ये देखना है कि हम अच्छे, जैसे बहुत ही पोल्यूटेड सिटीज है, वो हम तो वहाँ का पोल्यूशन कम नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे घर में जब रहते हैं, तब हमें देखना है कि हम ज्यादा एक्सपोजर से बचने के लिए हम बाहर से ऐसे एरोसॉल नहीं जाने चाहिए. हम खाने की चीजें बातें करते हैं, जब अभी ऐसे भी देखा गया, इस पे भी विस्तृत वीडियो बन सकता है, जब हमारे पहले हम घर में जो
सब्जियां आते हैं, फलें आती थी, तो उसको सॉल्ट के वाटर से, हल्दी के पानी से धोते थे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जंतु संक्रमण के चांसेस हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं। लेकिन अभी इतना पेस्टिसाइड का यूज होता है तो वहां बैक्टीरियाज रहने की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन वो सारा केमिकल से भरा हुआ रहता है। तो वो निकालने के लिए हमें हमारी सब्जियां, फले, टैमरिन चिंस जो इमली रहती है, तो इमली के वाटर में डाल के 10-15 मिनट में हम धो दिए, हम खाने वाली चीजें, तो उससे हमारे केमिकल्स जो हमारे फूड में आने वाले हैं वो कम होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा के अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर भी रखने को बोलते हैं कि बेकिंग सोडा से धो लीजिए आपको, सोडा से, इमली से, ऐसे हम धो सकते हैं। और बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे टिप्स है, लेकिन ये हमारे भी वीडियो के स्कोप से बाहर है, इसमें भी अगला वीडियो वीडियो बन सकते तो कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनिक चीजें खाएं, ऑर्गेनिक बनी हुई, ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक भी हम बोलते हैं तो ऑर्गेनिक जो उगाने के लिए जो पानी यूज किया गया है, खेती का लैंड यूज किया गया, बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन हमें अभी ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, नैसर्गिक खेती की तरफ हमें मोटिवेट करना है कि आप जाइए। जी जी जी, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लिटरली हमारे अर्थ का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक इज ऑलवेज बेटर नॉन ऑर्गेनिक से, बट ऐसा नहीं है कि जो आर्टिफिशियली बनता है वो खराब ही है। यहाँ पे आर्टिफिशियली जो पेस्टिसाइड है उसकी बातचीत हो रही है, द यूज ऑफ ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड, और यहाँ पर भी बात एजुकेशन की आती है। करेक्ट जी जी जी, बिल्कुल। सो ये हो गया इस चीज की बात। अब तीसरी बात करते हैं मैम, जो हमारे थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन होते हैं मोस्ट कॉमन, जैसे आपके फीमेल अल्कोहल यूज हो गया या फीमेल कोई बीमारियां हैं, उनका कितना बड़ा रोल है? उनका भी बहुत ही बड़ा, ये थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल करेक्ट, हमें लाइफस्टाइल करेक्शन करनी है, क्योंकि हमारी अभी लड़कियां भी स्मोक करती है, लड़के स्मोक करते हैं, उसके साथ ही साथ अल्कोहलिज्म, दोनों अल्कोहल लेते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स लेते हैं, उसका भी गहरा इम्पैक्ट हमारी फर्टिलिटी पे आ जाता है। जैसे कि बच्चों में, पुरुषों में स्पर्म पैरामीटर्स पे काउंट कम होता है, मोटिलिटी कम होती है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ता है, मॉर्फोलॉजी बिगड़ जाती है, उसके साथ ही एग की क्वालिटी खराब होने की संभावना रहती है, मात्रा कम होने की रहती है, उसके साथ ही लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, उनका भी बहुत गहरा असर इन पे पड़ता है। जब ज्यादा एक्सरसाइज होता है और बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन यूज करते हैं, स्टीरॉइड्स यूज करते हैं, तो उन पुरुषों में भी ये हमारी फर्टिलिटी थोड़ी कम होने की, गवाने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ हम अभी डाइट की बात कर रहे थे, और अपनी डाइट में हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ये हम 50-60 साल से हम देखा जाए, हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गेहूं और राइस, इससे क्या होता है, हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म स्पीडन अप हो जाता है, जल्दी हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और तुरंत 2 घंटे में घट जाता है। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाना है, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब से तो पीसीओडी जैसी बीमारियां, ओबेसिटी, ये सारी फर्टिलिटी को प्रिवेंट करती है, तो ये सारी हमें, हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। प्रैक्टिकली बात मैडम अगर पूछे, हम सोचें तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल तो यूथ की खराब है ही, मतलब मेजॉरिटी यूथ अपनी लाइफस्टाइल वो बिकॉज ऑफ द ट्रेंड कह लीजिए, बिकॉज ऑफ लोगों का देखा देखी है, बट अल्टीमेटली ऐसे सिचुएशंस में मुझे लगता है हमें उनको एक सेफ्टी लिमिट देनी बहुत जरूरी हो जाती है। जैसे अल्कोहल यूज के लिए हमारे पास में एक सेफ लिमिट है, और स्मोकिंग के लिए तो कोई सेफ लिमिट नहीं है, वो तो जीरो ज्यादा बेहतर है। तो मेल्स और फीमेल्स में अल्कोहल यूज की सेफ लिमिट है, वो तो हम लिवर या आपके हेल्थ के इफेक्ट, जनरलाइज्ड हेल्थ के लिए है, जो आप वन सिंगल पैक आप ले फीमेल के लिए और दो आप ले सकते हैं मेल्स के लिए। तो प्रेगनेंसी के लिए क्या अलग से कोई सेफ लिमिट है या यही है? नहीं, प्रेगनेंसी के लिए फीमेल्स में तो बिल्कुल उन्होंने बंद करनी है। नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं,
प्रेगनेंसी दौरान नहीं, फर्टिलिटी प्रिवेंशन के लिए. या प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए हम बताए मिस लाइक इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट जब हम सेफ लिमिट में रहे, ओकेजनल यूज ऑफ अल्कोहल तो ठीक है, जैसे आपने बताया 1 पे 30 ml 60 ml तक ठीक है, लेकिन दैट टू ओकेजनल. व्हेन यू आर प्लानिंग, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर बेबी, वो पहले 3 महीने में तो आपने स्टॉप ही करना है. डेफिनेटली स्मोकिंग भी आपको स्टॉप करना है और अल्कोहलिज्म भी स्टॉप करना है, अल्कोहल भी स्टॉप करना है. और मैम इसके अलावा और कोई रीजन बच जाता है जो मेन है जो इसके अलावा बच गया? और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, ये है हमारा सोशल बैरियर अभी हमारा खत्म होते जा रहा है, यानी कि सामाजिक बंधन जो पुरातन काल में थे. सामाजिक बंधन इसका मतलब क्या है, आजकल डॉक्टर परमजीत देखा जाए तो जो बच्चों की बातें हमें सुनी है स्कूलों में, जब उनको बॉयफ्रेंड नहीं रहते, गर्लफ्रेंड नहीं रहते, तो वो उनमें कमियां मानी जाती है. हाँ ये बात तो सही है. ये चीज है कि ये सेक्सुअल लाइफ में बहुत ही जल्दी इंडल्ज करते हैं और इसका उनको सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस का ज्ञान नहीं रहता, और इसीलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होना, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से पुरुषों को थोड़ा कम असर पड़ता है, लेकिन स्त्रियों में बहुत ही, लड़कियों में बहुत ही गहरा असर होता है. उनको पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज हो जाता है, और पुरुषों में भी वैसे एपिडिडोमोर्काइटिस हो जाता है, कभी कभी वो एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज तैयार होना शुरू हो जाता है. लेकिन लेकिन लड़कियों में गहरा असर होता है इनकी फर्टिलिटी पे, और परमानेंट ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब भी होने के चांसेस होते हैं जब बहुत अर्ली एज से वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं. दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, जब हमारी शादी होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं और हमें जल्दी बेबी नहीं चाहिए होता है, ये जानने के बावजूद भी वो 1-2 महीने में प्रेग्नेंट हो जाते हैं. फिर हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि हमें अभी ये बेबी नहीं चाहिए, वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स. लेकिन ये पढ़े लिखे होके आईटी से होके भी उनको मालूम नहीं है, 1 महीना भी आप साथ में रहते हो और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हो और सब हमारा अंदर का सही है तो आप कंसीव हो सकते हो. हमें तो 2 महीना लगा ही नहीं, 2-3 महीने में हम कंसीव हो जाए, तो इसीलिए हमने वो सोचा ही नहीं था, अभी हमें छुटकारा दे दीजिए. एंड दैट्स द मोस्ट कॉमन यू दिस थिंग रीजन फॉर नॉट हैविंग बेबी. आजकल हम देखते हैं तो हमारे 10% इनफर्टाइल पेशेंट बिकॉज ऑफ अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी, जो उन्होंने डीएनसी करवाया हो और मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल पिल से अबॉर्ट करवाया हो, लेकिन सही जगह नहीं किया रहेगा तो इन्फेक्शन की रिस्क रहती है एंड दे लूज देयर परमानेंट फर्टिलिटी. 10% लोग हैं जिनको IVF लगते हैं. करेक्ट करेक्ट. तो ये बात ऐसी हो गई है जहां पे आप, क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा मैं, क्रिकेट का बैट है आपके पास में और एक ही बैट है, और वो बैट आप घर में ही प्रैक्टिस इतनी करे जा रहे हो कि बैट खराब हो गया. जब तक आप पिच पे पहुंचे हैं बैट आपका खराब है, तब आपको फिर सपोर्ट लेना पड़ जा रहा है. तो अल्टीमेट चीज आपको ये समझनी है कि आपका जो सिस्टम है, जो सेक्सुअल सिस्टम है, वो जब भी आप एक्टिवेट करोगे, अगर वो इन्फेक्ट होता है, चाहे वो प्रेगनेंसी के पहले हो, प्रेगनेंसी के बाद हो, इन्फेक्शन के वजह से स्कार टिश्यू बन सकता है, फाइबर्स बन सकते हैं, बैंड बन सकते हैं, जो उसके आने जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर सकते हैं, आपके स्पर्म को ब्लॉक कर सकते हैं, ओवरीज को, ओवम को ब्लॉक कर सकते हैं, अल्टीमेटली प्रेगनेंसी में बाधा पैदा कर सकते हैं. इन्फेक्शन या रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने आप में एक रिस्क हो जाता है. और अगर आपने कहीं प्रेगनेंसी अबॉर्शन करवाते हैं, चाहे डीएनसी करें, चाहे गोली खाएं, चाहे वैसे करें, कुछ भी करें, उससे आपके रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस के. और उसके बाद प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आनी ही, मान के चलिए कम आई तो बेकिस्मत वाले हो, आएगी आएगी, तो फिर उसके बाद में ऑप्शंस अवेलेबल है. लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो आप पहले ही ये ध्यान में रखो कि आप अपना, अगर करियर पे ध्यान देना है तो फिर करियर पे ध्यान दो फटाफट, 25 साल की उम्र तक शादी करो, उसके बाद में पहले बेबी कर लो, तो उसके बाद में फिर आप अपने करियर पे फिर ध्यान दो. पर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से. आप क्या कहना चाहोगे मैम? नहीं, मैं कहना चाहती हूँ फिर भी उनको ये डिसीजन इतने जल्दी नहीं लेना है, तो उन्होंने आप
अब हम उनका ओवेरियन रिजर्व चेक करना है, इन्हें सीमेन पैरामीटर चेक करना है, और फिर भी उन्हें लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है इतने जल्दी, वो 35 के बाद ही कर सकते हैं, तो उन्होंने एक डोनेशन सीमेन, एक नॉट डोनेशन, एक प्रिजर्वेशन, एक प्रिजर्वेशन अंडों का फ्रीज करना या स्पर्म का फ्रीज करना, ये तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी वहां अगर हमने एग फ्रीज, अगर हम स्पर्म प्रिजर्वेशन कर लेते हैं एग, तो भी देर आर चांसेस कि फिर भी हमारे जो फाइबरस बैंड हैं और ऐसी कोई चीज होती है आगे चल के बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और एनीथिंग, अल्टीमेटली एक एक 30+ फीमेल के अंदर अगर हम बाहर से IVF करके भी हम कोई ये चीज कर देते हैं तो भी देर इज, फिर भी दैट इज नॉट आई थिंक, उसमें फिर भी आपके फर्टिलिटी के चांसेस होंगे। एक्चुअली वो जब हमारे अंडे प्रिजर्व करते हैं तो ये यंग अंडे रहते हैं, ठीक है, और स्पर्म्स भी लेते हैं, उनके भ्रूण तैयार करके रखते हैं, तो वो हेल्दी भ्रूण रह सकते हैं क्योंकि वो यंग एज वाले हैं। हमारा जो यूट्रस रहता है, ये यूट्रस में इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकता है, मेनोपॉज के बाद भी हो सकता है, जब हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी कि अंदर की परत अच्छी रहती है, लेकिन कभी जब डीएनसी होती है और बहुत खराब तरीके से होती है, बहुत खींचा जाता है और फिर एंडोमेट्रियम निकाला जाता है, तो कभी वो लड़कियां एशरमेंट्स का शिकार हो जाती है, यानी कि अंदर की कैविटी जहां बेबी रहता है वहां पूरे एडेशंस पैदा होते हैं और फिर उनको सरोगसी के बिना प्रेगनेंसी नहीं रह सकती। और जैसे आपने बताया कि लेट एज में कभी डायबिटीज होने की चांसेस रहते हैं, संभावना होती है, कभी बीपी बढ़ने की संभावना होती है, ओबेसिटी हो जाती है, तो भी फिर वो प्रेगनेंसी कंसीव तो हो सकती है लेकिन कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो इस पॉइंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है मेरे मन में। एक्चुअली मैंने बाय माय ओन मतलब ये कह सकते सुना है मैंने कि जब ये बात आती है लोगों के मन में कि प्रेगनेंसी एबॉर्शन करवाते हैं, सो देयर दे हैव दैट ऑप्शन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकल टर्मिनेशन या फिर डीएनसी का ऑप्शन है, जहां पे मेडिकल टर्मिनेशन पे ब्लीडिंग का ज्यादा रिस्क पड़ जाता है, वहां डीएनसी पे इस तरीके का एशरमैन सिंड्रोम का रिस्क ज्यादा है। तो इन दोनों में आप अगर कोई करवाता ही है तो फिर उसमें आप क्या प्रिफर करते हो, डीएनसी या मेडिकल टर्मिनेशन? मैं इनिशियल जो फर्स्ट प्रेगनेंसी रहती है तो हम मेडिकली पहले जाना पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे होता है जब मेडिकली हम जाते हैं तो 80% लोगों का कंप्लीट अबॉर्शन हो जाता है 48 आवर्स में, लेकिन 20% जो बचे हुए लोग हैं उनका इनकम्प्लीट होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन थोड़े से थोड़ी चीज प्लेसेंटा अटक जाते हैं और वो पीसेस बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि दैट्स अ रिच सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से बढ़ जाता है वो 20% लोगों में। तो इसीलिए मेडिकल का जब हम बोलते हैं तो मेडिकल अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या आधा अधूरा बच गया है ये देखने के लिए 8 दिन के बाद हमें सोनोग्राफी करवानी ही चाहिए, और सोनोग्राफी में पता चला कि अंदर कुछ अटक गया है तो वो क्लीन करवाना बहुत जरूरी है, इससे हमारे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर वो 20% केसेस में फिर डीएनसी करना पड़ेगा अल्टीमेटली। वो हल्की सी डीएनसी करना पड़ता है और ये सोच समझ के करना पड़ता है, अच्छे सेंटर पे करना पड़ता है जहां ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस डॉक्टर लोग लेते हैं, सर्जिकल थिएटर एसेप्टिक होना चाहिए और ये सारी चीजें हमारे यंग जनरेशन को मालूम नहीं है, तो इसी वजह से वो परमानेंट अपनी फर्टिलिटी गवा बैठते हैं। तो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम का चैनल है यूट्यूब पे एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, जो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा वो मैम के चैनल पे मिलेगा, तो जरूर जाके फॉलो करो उनको, राइट, सब्सक्राइब करिए, जितने ज्यादा ऐसे सीनियर डॉक्टर्स और आएंगे तो हमारे भाई यूट्यूब के लिए और जनता के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ लिटरेसी जितनी अच्छी होगी उतना बहुत बढ़िया है। एंड बहुत अच्छा लगा मैम, हम आपसे फिर एक बार जरूर नेक्स्ट टाइम और एक टॉपिक पे बात करेंगे, सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू आप आए हमारे पास में बात करने, एंड होप यू एंजॉयड एज वेल, एंड एवरी सिंगल पर्सन जो आए हैं उनको थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, आई ऑल्सो एंजॉयड अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बाय बाय।
बाय एवरीवन।